हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टू रो की डिज़ाइन। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत ही है। इसे किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कीजिए। जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ईजिली बन करके तैयार हो जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए ये टू के मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न बनेगा, तो आपको ये डिज़ाइन पैटर्न बताते हैं। इसके लिए हमने टोटल लिए हैं 14 फंदे, और ये डिज़ाइन पैटर्न रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा। तो आप राइट साइड से कोई भी बॉर्डर बनाने के बाद अगर स्वेटर में फंदे वगैरह बढ़ाने हो तो आप राइट साइड से जो है फंदे इसमें आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, डिज़ाइन सीखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड देखिए, ये डिज़ाइन पैटर्न जो है ना, राइट साइड से हम ये वन रो बेसिक रो ऐसे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फंदे वगैरह बढ़ाने हों तो इसी रो में आप बढ़ा सकते हैं। और ये दो सिलाई की बहुत ही इजी सा पैटर्न है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको ये डिज़ाइन पैटर्न बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है आप अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। तो देखिए, हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये डिज़ाइन पैटर्न का फर्स्ट रो है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करते हैं, ऑप्शनली आप चाहें तो इसे बुन भी सकते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, ऐसे ऊन के धागे को लेना है और इसको स्लिप कर देना। फिर देखिए, सेकंड को ऐसे ऊन के धागे को लेना है ऊपर से और स्लिप कर देना। आपको बुनना नहीं है, बस ऐसे ऊन के धागे को ऐसे लेना है और स्लिप करते हुए जाना है। देखिए, ऊन के धागे को ऐसे लेंगे ऊपर से और स्लिप करेंगे, ऊन के धागे को ऊपर से ऐसे लेंगे और स्लिप करेंगे, ऊन के धागे को ऐसे ऊपर से लेंगे स्लिप करेंगे। ऐसे करते हुए आप पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ऊन के धागे को ऐसे लेंगे और स्लिप करेंगे, ऊन के धागे को ऐसे लेंगे स्लिप करेंगे। देखिए, बुनना नहीं है, बस स्लिप करते हुए जाना। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हैं फ्रेंड, इसी तरह आप जो है स्लिप कर लीजिए। लास्ट का ऐड स्टिच है, इसे बुन लीजिए। अब डिजाइन पैटर्न का ये सेकंड रो है, राइट साइड है। तो देखिए, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। अब इसके बाद हम जो है, ये जो हमारा ये वन स्लिप ऊपर से धागा है और स्लिप किया हुआ फंदा है, देखिए ये बैक साइड से इस तरह, देखिए इस तरह आपको बुनना है। बैक साइड से ऐसे बुनना है, ऐसे मत बुनिएगा, ऐसे बैक साइड से। देखिए, उनको धागों को ऐसे लेके, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा ऐसा उलट फेर करते हुए आप इसको बुन लीजिए। ऐसे ऐसे बैक साइड से इसको बुनना है। देखिए देखिए, इसे बैक साइड से टू का वन ऐसे कर लेंगे इस तरह। फिर देखिए, ये टू का वन करेंगे ऐसे। हमेशा इसे बैक साइड से इसे ऐसे करिएगा। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह कर लेते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स। देखिए, ये ऐसे कर, बैक साइड से ही इसे आप ऐसे करिएगा। देखिए देखिए, इस तरह बैक साइड से, देखिए यही टू रो आपको रिपीट करते जाना है। देखिए, अब इसी टू रो को आपको रिपीट करना है। देखिए, फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और फिर ये फंदा ना ऐसे उनके धागे को लेते हुए रिपीट पैटर्न रो वन है। देखिए इस तरह, फिर देखिए ऐसे उनके धागे को स्लिप करेंगे, फिर उनके धागे को ऐसे ऊपर लेंगे स्लिप करेंगे, उनके धागे को ऐसे लेंगे स्लिप करेंगे। इसी तरह आपको रिपीट करते जाना है फ्रेंड। देखिए, रॉन्ग साइड में आप इस तरह स्लिप करते हुए, ऐसे बुनना नहीं है, बस ऐसे स्लिप करना है इस तरह। और फिर लास्ट का ऐड स्टिच है, इसे ऐसे बुन लेना है। तो फ्रेंड देखिए, ये सेकेंड रो है और राइट साइड है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे तो देखिए, ये जो है ये दो फंदे ऐसे बैक साइड से, ये रिपीट पैटर्न का सेकेंड रो है, ऐसे करेंगे। देखिए, फिर दो फंदे ऐसे लेते हुए बैक साइड से, इसी टू रो को आपको रिपीट करना है। ठीक, इस तरह आप रिपीट करते हुए जाएंगे तो पूरी डिज़ाइन फ्रेंड्स देखिए इस तरह दिखेगी।
इसे आप बनाइए, आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।